सबका स्वागत है दोस्तों। आज एक फिर नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज जो रेसिपी बनाने वाले हैं एक डेजर्ट की रेसिपी है। जी हाँ, आज हम स्ट्रॉबेरी फिन्नी बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बनाते हैं स्ट्रॉबेरी फिन्नी। के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने दूध रखा है, ये 1 लीटर मिल्क है, इसे मैंने यहाँ पे उबालने रखा है। ये उबल रहा है, तब तक हम मैंने यहाँ पे ये है जो हमारा राइस आता है वो है, इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा है। इसे मैं कोर्सली क्रश करूंगी, इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा हम इसे रखेंगे। तो इसे हम क्रश कर लेते हैं सबसे पहले, जब तक ये उबल रहा है। ये देखिए हमारा जो हमने दूध यहाँ पे रखा है वो उबल रहा है। ये मैंने फुल फैट मिल्क लिया हुआ है 1 लीटर, और इसके अंदर हमने ये देखिए एकदम कोर्सली क्रश की है जो हमने हमारा राइस लिया था वो, इसे हम इसके अंदर डालेंगे। 2.5 टेबल स्पून जितना ये डाल रही हूँ हमारा जो राइस है वो क्रश किया हुआ। अब इसे हम उबालेंगे और इसे हम ठीक करेंगे मिल्क को। इसके अंदर मैं शुगर डाल रही हूँ। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ 1.5 टेबल स्पून जितना ही डाल रही हूँ शुगर, क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी का फिन्नी बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये है स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी मैंने कट करके इसके अंदर शुगर डाल के मैंने इसका एक पल्प बना लिया है। तो इसके अंदर भी शुगर है, तो मैं यहाँ पे बहुत कम शुगर अभी डाल रही हूँ, अगर जरूरत पड़े तो टेस्ट करने के बाद अगर जरूरत लगेगी तो हम डालेंगे। अब यहाँ पे इसे हम अच्छे से उबालेंगे कि हमारा ये जो मिल्क है वो गाढ़ा हो जाए, फिन्नी की कंसिस्टेंसी में आ जाए। ये देखिए हमारी कंसिस्टेंसी ठीक हो रही है। अब इसके अंदर जो हमने ये पल्प बनाया है स्ट्रॉबेरी का, ये देखिए इसे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून जितना मैं इसके अंदर डालूंगी, इसे हम मिक्स करेंगे। स्ट्रॉबेरी खट्टी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे कभी पीस सीधा नहीं डालती हूँ। मैं स्ट्रॉबेरी का मैंने ये देखिए अच्छे से पीस किया हुआ है, और इसको शुगर डाल के उबाल के इसे ठंडा कर लिया है, और फिर इसके अंदर मैं इसे यूज कर रही हूँ। तो इसे खाने का मजा अलग ही होता है, इसका टेस्ट अलग ही आता है। थोड़ा सा और हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरी पल्प डालेंगे। ये देखिए इतना अच्छा सा कलर आ गया है इसका भी। अब इसे हम, ये हमारी कंसिस्टेंसी ये देखिए एकदम अच्छे से गाढ़े हो गई है, ये देखिए। अब इसे मैं नीचे गैस बंद कर देती हूँ और इसे हम निकाल लेते हैं। ये बंद करने से पहले मैं इसके अंदर थोड़े से पिस्ते डाल रही हूँ, अगर आपको बादाम भी डालनी हो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा पिस्ता ही डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी के साथ। बस अब इसे हम बंद कर लेते हैं, ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अभी इसे बहुत ठंडा करके खाना है तो ये ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए अब हम बंद कर देते हैं इसे। ट्रेडिशनली ये जो है मिट्टी का सकोरा है, इसे ट्रेडिशनली इसमें सर्व करते हैं फिन्नी को। मैं ये जो फिन्नी हमने बनाई है इसके अंदर हम सेट कर लेते हैं निकाल के पहले। इसके ऊपर मैं ये यहाँ पे मैंने ये जो स्ट्रॉबेरी है इसे मैंने चॉप कर लिया है, इसको मैं इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पाउडर शुगर डाल के इसे मिक्स करके रखा हुआ है, तो ये हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाए और थोड़ी सी इसमें खटास जो है वो निकल जाए। इसमें थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं, ये देखिए। अब इसे हम चिल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे और फिर इसे हम सर्व करेंगे। जब मैंने ये
हमारी जो फिरनी बनाई लास्ट में, मैं ये टेस्ट करना आपको टेस्ट करके बताना भूल गई कि ये जो हमने शुगर डाली थी वो बराबर थी या नहीं थी। तो इसे आप जब बंद करें उससे पहले इसे टेस्ट करें, अगर शुगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप इसमें ज्यादा डाल दें और फिर ये आप अच्छे से मिक्स करके फिर इसे बंद करें। मैंने यहाँ पे शुगर टेस्ट मैं कर लेती हूँ एक बार, ये बराबर है क्योंकि हमने स्ट्रॉबेरी क्रश, जो हमने स्ट्रॉबेरी पल्प बनाया था उसमें शुगर डाला था, इसलिए यहाँ पे ज्यादा शुगर की जरूरत नहीं है। अब इसे ठंडा ठंडा हम सर्व करेंगे और इसका लुफ्त उठाएंगे। ये देखिए हमारी स्ट्रॉबेरी फिरनी रेडी हो गई है, एकदम चिल्ड करके आप इसे सर्व करें और खाएं और आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। और पूर्वीज क्रिएटिव फूड लैब में आपके कमेंट्स जरूर लिख कर भेजें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। थैंक यू दोस्तों।